भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 27 साल से लोगों एवं माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम एवं निर्णायक नेतृत्व के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। नारी के सम्मान का इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के भरोसे की यात्रा को लेकर कहा कि जिस प्रकार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा को व्यापक सफलता मिली है और उसे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और भरोसे की यात्रा निकालने पर मजबूर हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 27 साल जिस प्रकार से लोगों के माता और बहनों के साथ खिलवाड़ किया, आज नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दोनों सदन में पारित हो गया है। नारी के सम्मान का इससे बड़ा कोई और काम हो नहीं सकता है। निश्चित रूप से देश की माताओं बहनों में जो उत्साह है, कल जिस प्रकार से न केवल दिल्ली में, पूरे देश भर में माताओं बहनों ने जो खुशियां मनाई है, जो उत्सव मनाया है, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने कैसे नारी शक्ति का वंदन किया है। और कांग्रेस पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज जनता कांग्रेस की बातों को सुनने को भी तैयार नहीं है। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को व्यापक सफलता मिली है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और भरोसे का यात्रा निकालने पर कांग्रेस पार्टी मजबूर हो रही है, ये बताता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, दूसरा भरोसे का संकट है आज कांग्रेस के पास, भूपेश बघेल के पास। जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि 4.5 साल केवल और केवल ठगने और धोखा देने का काम किया है, ये बताता है कि आज उन्हें भरोसे की यात्रा निकालना पड़ रहा है।